डिस्कशन इन्हीं बातों पे हुआ कि अगर इलेक्शंस होते हैं और पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्शंस के लिए क्या इशू रहेंगे, और बात हुई कि सबसे बड़ा मसला जो है हमारा इस रियासत का स्टेटस, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत और गारंटीज़ जो हमसे छीनी गई उसकी वापसी के लिए इस इलेक्शन में न सिर्फ बात की जाएगी, इसके ज़रिए अगर कामयाबी मिली उस पर काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कलीग से इंटरेक्शन शुरू करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है तो कौन से ऐसे इश्यूज है, डेली इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो में, और फिर एड्रेस मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है, हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली का ना होना, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई, इसी तरह से रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिजर्वेशन और ओपन मेरिट में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन मेरिट को भी बचाना है और उन लोगों को भी एड्रेस करना है जो सेक्शंस है, जो बैकवर्ड सेक्शन है। इसी तरह से टूरिज्म के हवाले से बात हुई, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, हेल्थ केयर के हवाले से बात हुई, और सिटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई, टाउन्स के हवाले से बात हुई। अभी एक जनरल डिस्कशन हुआ किन किन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और फिर स्ट्रीमलाइन करके इसके बाद हम चैनल्स खोलेंगे लोगों के साथ, मुख्तलिफ शेड्स ऑफ ओपिनियन जो है सोसाइटी में उनके साथ इंटरेक्ट करें, फिज़िकली इंटरेक्ट करें, उनसे हम राय मशवरा लें, और अगले 30 दिनों के अंदर या 40 दिनों के अंदर हम एक कम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो सामने लाएंगे और उस मैनिफेस्टो को फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। हमने इलेक्शन के दौरान भी बात की है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान भी बात की है, और इस मैनिफेस्टो में भी न सिर्फ जिक्र होगा, आप ये यकीन कीजिए कि इस मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र होगा। और जो ही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनती है, उनकी एमनेस्टी के लिए, उनकी रिहाई के लिए काम किया जाएगा, फैसला भी लिया जाएगा। अच्छा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ओथ लेने का मौका दिया गया, उनको रिप्रेजेंट करने का भी मौका दिया जाए, पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने का भी मौका दिया जाए, अच्छा रहेगा।